हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्राई एंड कुक। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी पायसम। ये केरला में ऐसे डेजर्ट खाया जाता है क्योंकि ये एक स्वीट डिश है और इसको मैं सेवई या फिर जवा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके साथ मैं बनाऊंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी ताकि ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा फ्लेवर आए, वरना वो फीके फीके लगते हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है, उसमें मैं काजू और बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब तक इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है तब तक मैं इसे रोस्ट करूँगी। तो आप ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप इसमें गरी नारियल भी आप इसमें डाल सकते हैं या आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काजू और बादाम और थोड़ी सी मैं इसमें किशमिश डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये काजू और बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में थोड़ी सी मैं किशमिश को भी रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में दो चम्मच देसी घी लिया है, उसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया। फिर मैं यहाँ पे ये जवा डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने एक कटोरी जवा लिया है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी जवा इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, जब तक ये थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। और इसको लगातार चलाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, इसलिए इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से इसे रोस्ट करिए। इसमें से भी बहुत अच्छी सी जब खुशबू आने लगेगी बस उतना रोस्ट करना है, और कलर इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन में जब ये चेंज हो जाएगा बस उतना ही रोस्ट आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवा अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। सिवई हो जाने के बाद अब मैं इसमें दूध को ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पे भैंस का दूध ले रही हूँ, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पैकेट वाला भी चलेगा, लेकिन कोई भी कच्चा दूध इसमें इस्तेमाल मत करिएगा। पहले दूध को अच्छे से पका लीजिए उसके बाद इसमें इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ मैंने एक कटोरी जवा के लिए मैंने दो ग्लास मैंने दूध इसमें डाल दिया है, और अब मैं इस सिवई को इसी दूध में अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पे जवा जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं और ये काफ़ी थिक भी हो चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं जो मैंने रोस्ट किए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको सिवई में दूध ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 3 ग्लास दूध यूज़ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी थिक बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही ग्लास दूध ऐड किया है। तो यहाँ पर ये हमारी जो सिवई है ये अच्छे से पक चुकी है, अब मैं इसको हटा लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे कैरमल बना लूँगी। तो कैरमल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी ली है, आप मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, अगर कम खाते हैं तो कम रखिएगा। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच ही मैंने पानी डाला है, और मैं इसको चलाते हुए अच्छे से मैं इसकी कैरमल सिरप बना लूँगी। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसमें बहुत अच्छा सा कलर भी आने लगा है, इस कलर को मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगी। तो यहाँ पे ये जो कैरमल है वो हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसमें वो सिवई जो हमने दूध में पकाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको लगातार मिक्स करूँगी, वरना इसमें क्या होगा कि गांठें पड़ जाएंगी, फिर उसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इसको हमें लगातार मिक्स करना है जब तक कि जो कैरमल है वो सिवई के साथ मिक्स ना हो जाए, तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है और ये हमारी पायसम बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने थोड़ा थिक साइड में रखा है, अगर आपको थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा बढ़ा के डालिएगा। तो यहाँ पे ये हमारी पायसम बनके बिल्कुल तैयार है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो हम नॉर्मल मीठी वाली जो सिमई बनाते हैं, दूध वाली जो सिमई बनाते हैं, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट चीनी यूज़ करते हैं और इसमें हम कैरमल करके चीनी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।